ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಮೋದಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ. ಎಸ್, ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈಗಿರುವಂತಹ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ 13 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿ 508 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅಮೃತ ಭಾರತ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 13 ಹಳೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರಬಹುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕೇವಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ರೈಲ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೈ ಭಾರತ್ ಕಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗರೀಬ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं. मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी. अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा. साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा. देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा. चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा. कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की कायापलट का. देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं. गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन. इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है. देखिए इस नक्शे को, देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृतकाल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए.
इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे, यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्च, यात्री प्रतीक्षालय होंगे, यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा, और सोचिए लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस, और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियाएं और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है, उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार।
देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे, उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन्स के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन्स को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो पहली वजह। और दूसरी वजह है,
पूर्ण बहुमत की सरकार उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। आप कल्पना करिए स्केल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म्स पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए हैं। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों,
जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाती है। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशन्स में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहर की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है, शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो,
इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली एनसीआर से वेस्टर्न पोर्ट तक, चाहे गुजरात के समुद्री तट हो या महाराष्ट्र का समुद्री तट हो, पहले से जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में एवरेज औसतन 72 घंटे लगते थे, आज वही लगेज, वही सामान, वही गुड्स 24 घंटे में पहुंच जाता है। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। ट्रेवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाड़ियों की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। जब देश में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है, हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लघु उद्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुंचेगा। साथियों, आप सभी ने देखा है कि पहले रेलवे ओवर ब्रिज का कम होने के कारण कितनी दिक्कतें आती थी। 2014 से पहले देश में 6000 से भी कम रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज थे। आज ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की ये संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। देश में बड़ी लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग की संख्या भी 0 हो चुकी है। रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं के निर्माण में आज बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के
करीब करीब 70,000 डिब्बे 70,000 कोचिज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। साथियों, रेल ने दशकों से हमें अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है, काम किया है, एक प्रकार से देश को जोड़ने का भी काम किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेल को एक बेहतर पहचान और आधुनिक भविष्य से जोड़े और रेल की रक्षा, व्यवस्थाओं की रक्षा, सुविधाओं की रक्षा, स्वच्छता की रक्षा, एक नागरिक के नाते उस कर्तव्य को हमें निभाना। अमृतकाल कर्तव्य काल भी है, लेकिन साथियों, कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने धरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे, ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है, उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। लेकिन साथियों, हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है, और इसलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सब से ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे हैं। साथियों, पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जॉब देने का भी
बहुत बड़ा जरिया बनी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस समय केंद्र सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का अभियान भी चला रही है। रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए अवसर दे रहा है और युवा विकास को नए पंख लगा रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेना भी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। कई पद्म सम्मान प्राप्त महानुभाव भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर भारतीय के लिए अगस्त महीना बहुत विशेष महीना होता है। ये महीना क्रांति का महीना है, कृतज्ञता का महीना है, कर्तव्य भावना का माह है। अगस्त में कितने ही ऐतिहासिक दिवस आते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कल 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गणपति बप्पा की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मटेरियल्स की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और फिट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है फिट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन फिट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी फिट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट फिट इंडिया यानी तुष्टिकरण इंडिया छोड़ो। साथियों, उसके बाद 15 अगस्त की पूर्व संध्या 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के दो टुकड़े हो गए थे, एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। यह उन अनगणित लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का
जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। आज ये अपने परिवार, अपने देश के हित में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथियों, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन, हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अभी देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। साथियों, देश के हर बच्चा, बुजुर्ग, सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है। और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मैं देख रहा हूं कि अनेक साथी आजकल सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं। हर घर तिरंगा के उद्घोष के साथ फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों से, विशेष रूप से युवाओं को, हर घर तिरंगे इस आंदोलन से जुड़ने का और इसका प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह करता हूं। साथियों, लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को भ्रष्टाचार में उड़ा दिया जाएगा, लेकिन हमारी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया। आज लोगों को महसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। जो मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी वो आपके बच्चों को झेलनी न पड़े उसके लिए दिन रात काम हो रहा है। इसका परिणाम ये है कि टैक्स भरने वाले लोगों की विकास के प्रति एक विश्वास बढ़ा है और उसके कारण टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। एक समय था जब देश में 2 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स लग जाता था। आज ये मोदी की गारंटी देखिए, आज 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इनकम टैक्स की राशि भी लगातार बढ़ रही है, जो विकास के काम आ रही है। इसका स्पष्ट संदेश है ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 508 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 13 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 508 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹೊಸ ಟಚ್ ಬರಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಗದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.